हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूं तिमूर की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो पेड़ दिख रहा है आपको। सो गाइस, हम में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता दूँ कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर पाया जाता है ये। और इसको कुमाऊं में तिमूर बोला जाता है, गढ़वाल में इसे टिमरू बोला जाता है और नेपाली में इसे तिमूर बोला जाता है। जब पहले टूथपेस्ट नहीं हुआ करता था तो पहाड़ी इलाकों में लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे दातून के तौर पे, और वैसे ही शहरों में भी लोग नीम का इस्तेमाल किया करते थे दातून के तौर पे। इसका खास तरह का मिंट फ्लेवर जुबान को हल्की झंझनाहट के साथ एक अलग ही जायका देता है। और इस तिमूर की लकड़ी को हमारे उत्तराखंड में आध्यात्मिक कामों में भी बहुत महत्व दिया जाता है, इसे बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पर जनेऊ के बाद जब बटुक भिक्षा मांगने जाते हैं तो उनके हाथों में भी तिमूर की लकड़ी का डंडा दिया जाता है। तिमूर की लकड़ी को मंदिरों धामों में भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही एक और मान्यता है हमारे उत्तराखंड में कि इसकी लकड़ी को काट के इसके जो कांटे होते हैं उसको ना निकाल के घर पे रखा जाए तो भूत पिशाचों से बचा जा सकता है। सो गाइस, आज धूप बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस बारिश हो रही है और बरसात का मौसम है, तो धूप आज बहुत दिनों के बाद देखने को मिली है। चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि पहले के लोग कैसे इसका यूज़ किया करते थे। तो चलते हैं गाइस। इसकी कांटेदार लकड़ी को साफ करके हथेली में रखकर दबाया जाए तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आठ से दस मीटर ऊंचाई के तिमूर के पेड़ का हर हिस्सा औषधीय गुणों से युक्त है। तना, लकड़ी, छाल, फूल, पत्ती से लेकर बीज तक दिव्य गुणों से भरपूर है। इसके बीज मुंह को तरोताजा रखने के अलावा पेट की बीमारियों के लिए भी फायदेमंद है। टूथपेस्ट तैयार है। इसे मुलायम रखने के लिए एक रात पानी में भिगोकर इसे यूज किया जाता था।